नमस्कार, फूडीज फूड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैंने बनाया है वेजिटेबल्स रायता, जो काफी टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं और दही है, जो काफी हेल्दी होती है। इसको बनाना भी काफी आसान है, पर इससे पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर भी जरूर करें। आप लकी सब्सक्राइबर का भी इंतजार कर रहे होंगे, तो उसके बारे में इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। पर उससे पहले रायता बनाना शुरू करते हैं। तो रायता बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया है। दही हमारी बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए, बहुत ही थिक है ये, और इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। दही अगर ठंडी होगी तो ही इसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसके लिए मैंने दो प्याज लिए हैं, तीन टमाटर है मीडियम साइज के, और आधा खीरा लिया है, इसको हम छील लेंगे, धनिया, हरी मिर्ची और ककड़ी। इसके अलावा आप और सब्जियां भी यूज कर सकते हो मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे कि गाजर है या फिर ग्रीन अनियन। और मसालों में हम लेंगे नमक, एक चम्मच चीनी, काला नमक और पुदीना पाउडर। हम ज़्यादा मसाले यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वेजिटेबल्स का फ्लेवर खत्म हो जाता है और मसालों का टेस्ट आएगा आपके रायते में। इसलिए आप कम ही मसालों का यूज करें और इसको सिंपल ही रहने दें, तभी ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो हम सब्जियों को अच्छे से धोकर इन्हें बारीक बारीक काट लेंगे। उससे पहले हम अपनी दही को हाथ से अच्छे से फेंट लेंगे। दो तीन मिनट हमें इसको अच्छे से फेंटना है और इसको बिल्कुल क्रीमी बनाना है, इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं रहने चाहिए। इसको फेंट कर मैंने इसे क्रीमी बना लिया है। और इसमें आप पानी, ठंडा पानी ऐड ना करें या बर्फ भी ऐड ना करें, क्योंकि इससे हमारी दही है वो पतली हो जाएगी और रायता अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप दही को ही अच्छे से ठंडा कर लें। अब हम सब्जियों को अच्छे से काट लेंगे। आप हाथ से भी इन्हें अच्छे से काट सकती हैं, मैंने मशीन की हेल्प से काट रही हूँ। हाथ से काटने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने सारी सब्जियों को बारीक काट लिया है। आप इन्हें कद्दूकस ना करें, क्योंकि इससे सब्जियों का कलर दही में मिल जाएगा और रायते का कलर चेंज हो जाएगा। और मैं धनिया को भी अच्छे से काट लिया है। अब हम इसमें दही में नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, चीनी हम एक ही चम्मच यूज करेंगे, ज्यादा चीनी ना डालें, नमक, काला नमक है ये, और पुदीना पाउडर। इसके अलावा हम कोई और मसाला यूज नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सिंपल ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें हम सारी सब्जियां डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा रायता, एकदम कलरफुल। और इन सारी सब्जियों को इसमें मिला लेंगे। कितना प्यारा कलर लग रहा है हमारे रायते का। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हमारा रायता बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये मैंने देखिए, हमारा रायता बिल्कुल गाढ़ा है और आप भी इसको अब बनाइए। मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। मैंने दो बाउल ले लिए हैं, इनमें मैं रायता निकाल लूंगी। आप भी रायता तभी बनाएं जब आपको सर्व करना हो, इसे पहले बना के ना रखें। या फिर सब्जियां काट के अलग रख सकते हो और दही को अलग से तैयार करके रख सकते हो। अगर आप इसे पहले बना के रखोगे तो हमारी सब्जियां पानी छोड़ देंगी और रायता हमारा पतला हो जाएगा। तो हमारा रायता अब बिल्कुल तैयार है। इसको मैं थोड़ा सा और गार्निश करूंगी। तब तक मैं आपको बता देती हूँ अपने लकी सब्सक्राइबर्स के बारे में। उन 5 लकी सब्सक्राइबर के नाम जिनको गिफ्ट मिलने वाला है, वो हम लास्ट जून में बता देंगे। तब तक आप हमारी सारी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। देखिए कितने अच्छे से हमने प्रेजेंटेशन भी कर ली है। टिल देन, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।